जिन्होंने आपका संघर्ष देखा है वही बस आपकी कीमत जान सकते हैं, बाकी लोगों के लिए तो आप बस किस्मत वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे 23 जनवरी के करंट अफेयर पे। और देखिए आज इस वीडियो में टोटल हम 13 करंट अफेयर पे डिस्कस करेंगे। और देखिए इस वीडियो के लास्ट में आपसे 5 क्वेश्चन अपडेट पूछेंगे, तो आपको इन 5 प्रश्नों का जवाब देना है। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो को ध्यान देखते रहिए। और देखिए इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको आज के करंट अफेयर के PDF की लिंक मिल जाएगी। और देखिए इस चैनल से ऐसे ही वीडियोस का ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में प्रेस करना मत भूलिए, और वीडियो को लाइक करके इसको शेयर भी कर दीजिए ताकि और लोग भी इस वीडियो को देख के इससे लाभान्वित हो सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर सेशन। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कल के करंट अफेयर सेशन द्वारा पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के सही उत्तरों की। देखिए कल के क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न था कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2019 में किस राज्य ने सबसे अधिक पदक जीता। तो देखिए ये राज्य आपका है महाराष्ट्र। और देखिए दूसरा प्रश्न था कल के क्वेश्चन अपडेट का कि हाल ही में किस राज्य में रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने 20 जनवरी 2019 को एक रक्षा औद्योगिक गलियारे का उद्घाटन किया। तो देखिए ये राज्य आपका है तमिलनाडु। और अगला था कि हाल ही में दुनिया के सबसे बुजुर्ग पुरुष मसाजो नोनाका का निधन हो गया, वह किस देश के निवासी थे। तो देखिए जो आपके मसाजो नोनाका हैं ये आपके जापान के निवासी थे और अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। और अगला था कि भारत की पहली लिथियम आयन गीगा फैक्ट्री का निर्माण किन कंपनियों के द्वारा किया जाएगा। तो देखिए ये कंपनियां हैं भेल और लीप क्वाइन। और नेक्स्ट था कि हाल ही में किस राज्य में सस्टेनेबल कैचमेंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट के लिए एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। तो देखिए ये राज्य आपका है त्रिपुरा। और देखिए आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन पहली बार तीनों ICC अवार्ड्स, ICC क्रिकेट ऑफ द ईयर, ICC वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर और ICC टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर एक साथ जीतने वाले इतिहास के पहले ऐसे क्रिकेटर बन गए हैं। तो देखिए ये क्रिकेटर आपके हैं विराट कोहली। तो देखिए विराट कोहली ने इतिहास रच दिया है। देखिए ये दुनिया के पहले ऐसे क्रिकेटर बन गए हैं जिन्होंने एक साथ ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ICC वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर और ICC टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है। और देखिए एक सबसे खास बात ये आपको याद रखना है कि अभी हाल ही में ICC यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने ICC टेस्ट और ICC वनडे टीम ऑफ द ईयर की घोषणा की है। और देखिए इस टीम में इन्होंने जो विराट कोहली को शामिल किया है और साथ ही विराट कोहली को जो है ICC टेस्ट और ICC वनडे टीम ऑफ द ईयर का जो है कैप्टन यानी कि कप्तान भी नियुक्त किया है। तो ये खास बातें आपको याद रखना है, ये प्रश्न निश्चित रूप से एग्जाम में पूछाएगा, तो जितनी भी चीज़ें मैंने बताई सबको याद रखिएगा और इसको नोट भी कर लीजिए अभी। और देखिए दूसरा प्रश्न है कि ICC द्वारा घोषित टीम ऑफ द ईयर 2018 का कप्तान निम्नलिखित में से किसे बनाया गया है। तो एक लाइन याद रखिए कि ICC द्वारा घोषित टीम ऑफ द ईयर 2018 का कप्तान बनाया गया है विराट कोहली को, ठीक है। और मैंने आपको बताई भी दिया अभी, तो फिर से बता दूं कि विराट कोहली जो है ये ICC टेस्ट टीम ऑफ द ईयर और ICC वनडे टीम ऑफ द ईयर में चुने गए हैं और साथ ही दोनों टीमों के कप्तान नियुक्त किए गए हैं ICC यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा। और देखिए ICC की बात कर लेते हैं। देखिए ICC के वर्तमान में अध्यक्ष हैं शशांक मनोहर। ICC का मुख्यालय है दुबई संयुक्त अरब अमीरात में और ICC के नए CEO यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं मनु साहनी। और देखिए तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में जर्मनी ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए किस देश की एयरलाइन कंपनी महान एयर पर बैन लगा दिया है। तो देखिए जो आपकी महान एयर है, ठीक है, ये एयरलाइन कंपनी है ईरान की और इस पर अभियान में बैन लगा दिया गया है जर्मनी के द्वारा सुरक्षा कारणों को लेकर। देखिए जर्मनी के विदेश मंत्रालय को जो है शक है कि इस एयरलाइन का इस्तेमाल जो है ईरानी सेना और आतंकी गतिविधियों के लिए किया जाता है। और अब हम बात कर लेते हैं जर्मनी की। देखिए जर्मनी आपका एक यूरोपियन कंट्री है और जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन, जर्मनी की करेंसी है यूरो और जर्मनी के वर्तमान में प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति हैं फ्रैंक वाल्टर स्टाइनमायर। और देखिए ईरान की बात कर लेते हैं जिसकी एयरलाइंस कंपनी पर जो है जर्मनी ने प्रतिबंध लगाया है। तो देखिए ईरान जो है एक मिडिल ईस्ट का कंट्री है और इसकी कैपिटल है तेहरान, ईरान की करेंसी है ईरानियन रियाल और ईरान के सुप्रीम लीडर हैं अली खामेनी और ईरान के प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति हैं हसन रूहानी। तो ये सभी खास बातें आप ईरान के बारे में याद रखिएगा और साथ ही जर्मनी के बारे में याद रखिएगा। लेकिन सबसे पहले याद रखना है कि जर्मनी ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए हाल ही में ईरान की एयरलाइन कंपनी महान एयर पर जो है बैन लगा दिया है। और देखिए चौथा प्रश्न है कि हाल ही में झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने 22 जनवरी 2019 को विधानसभा में कितने करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया। तो देखिए इन्होंने जो है टोटल 85,429 करोड़ रुपए का जो है बजट पेश किया 22 जनवरी को। तो फिर से बता दूं कि झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने 22 जनवरी 2019 को टोटल 85,429 करोड़ रुपए का जो है बजट पेश किया हाल ही में झारखंड की विधानसभा में। और देखिए थोड़ा सा कंपेरेटिव स्टडी कर लेते हैं यहाँ पे। देखिए जो झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास, इन्होंने पिछले वित्तीय वर्ष में यानी कि 2018-19 का जो वित्तीय वर्ष था उसमें जो है इन्होंने 80,200 करोड़ रुपए का बजट पेश किया था, लेकिन इस बार का बजट जो है उससे ज़्यादा है।
इस बार जो है पिछली बजट के मुकाबले इन्होंने 85,429 करोड़ रुपए का जो है बजट प्रस्तुत किया है। तो ये डिफरेंस भी आपको याद रखना है। जिन लोगों को जो है झारखंड का पीसीएस देना है और झारखंड का कोई भी एग्जाम देना है वो जो है इन दोनों पॉइंट को याद रखेंगे, ठीक है। पिछला बजट कितने का था और इस बार का बजट कितना है, और दोनों का डिफरेंस आप जो है कैलकुलेट करके निकाल लीजिएगा कि कितना अंतर है दोनों के बजट में, ठीक है। ये चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती हैं। और देखिए थोड़ा सा कुछ और भी फैक्ट हैं, बात कर लेते हैं उन पर। देखिए झारखंड के मुख्यमंत्री जो है इनके द्वारा इस बजट में पहली बार बाल बजट भी पेश किया गया है। तो देखिए बाल बजट पेश किया है पहली बार झारखंड की विधानसभा में झारखंड के मुख्यमंत्री द्वारा, ये पॉइंट याद रखिएगा। और साथ ही जो आपका इस बार का बजट है इसमें सबसे खास बात यह है कि झारखंड के इस वित्तीय वर्ष के बजट 2019-20 में महाराष्ट्र गुजरात की तर्ज पर जो है सुजलाम सुफलाम योजना जो है झारखंड में चलाने का प्रस्ताव दिया गया है। और देखिए पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने 22 जनवरी 2019 को पेश किए गए अपने बजट में सुदूर इलाकों में तत्काल स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री बाइक एम्बुलेंस योजना शुरू करने की घोषणा की है। तो देखिए ये राज्य आपका है झारखंड। फिर से बता दूं आपको सरल शब्दों में, देखिए झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने 22 जनवरी 2019 को बजट पेश करते हुए विधानसभा में अपने बजट में सुदूर इलाकों के लिए तत्काल स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री बाइक एम्बुलेंस योजना शुरू करने की हाल ही में घोषणा की है। और देखिए खास बात और है, देखिए अब तक जो है तमिलनाडु राज्य में, कर्नाटक में, गोवा में और हिमाचल प्रदेश में जो है मुख्यमंत्री बाइक एम्बुलेंस योजना जो है ये चलाई जा रही है, लेकिन अब ये जो है झारखंड में भी शुरू हो जाएगी जल्द ही, तो इसको आप याद रखिएगा। और देखिए छठा प्रश्न है कि किस राज्य ने 22 जनवरी को पेश किए गए अपने बजट में कक्षा 8वीं से ही बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने के लिए मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना शुरू करने की घोषणा की है। तो देखिए जो आपकी ये मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना है इसको शुरू करने की घोषणा की गई है झारखंड की सरकार के द्वारा। तो ये सभी खास बातें आप याद रखिएगा। आपको फिर से बता दूं कि जो आपकी मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना है, ठीक है, ये झारखंड से संबंधित है और इसकी घोषणा भी हाल ही में 22 जनवरी को की गई है झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास के द्वारा। और इस योजना के अंतर्गत बच्चों को कक्षा 8वीं से ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाएगी, तो ये खास बात याद रखिएगा। और देखिए झारखंड की बात करते हैं, देखिए झारखंड जो है ये भारतीय स्टेट आपको पता ही होगा। झारखंड की स्थापना जो है 15 नवंबर 2000 में की गई थी, इसको याद रखिएगा। और झारखंड की कैपिटल रांची है। झारखंड के चीफ मिनिस्टर वर्तमान में रघुवर दास। झारखंड की टोटल पॉपुलेशन है वर्तमान में 2011 के आंकड़ों के अनुसार जो कि 2012 में रिलीज हुआ था 3.19 करोड़। तो ये सभी खास बातें झारखंड के बारे में याद रखिएगा। और अब थोड़ा सा हम झारखंड की भौगोलिक सीमाएं आपको बता देते हैं। देखिए ये आपका इंडिया का मैप है और झारखंड जो है कुछ इस स्थान पर लोकेटेड आपका, ठीक है। और झारखंड की सीमाएं लगती हैं बिहार के साथ, पश्चिम बंगाल के साथ, ओडिशा के साथ, छत्तीसगढ़ के साथ और उत्तर प्रदेश के साथ। तो याद रखना कि झारखंड जो है ये टोटल 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। ये राज्य हैं बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। और देखिए सातवां प्रश्न है कि हाल ही में फ्रांस की डेटा निगरानी संस्था ने नए डेटा प्राइवेसी कानून जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन का पहली बार इस्तेमाल करते हुए गूगल पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। तो देखिए ये अमाउंट है डॉलर में $57 मिलियन और रुपए में है 404 करोड़ रुपए। तो याद रखना है कि हाल ही में फ्रांस की डेटा निगरानी संस्था ने डेटा प्राइवेसी कानून जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन का पहली बार इस्तेमाल करते हुए गूगल पर $57 मिलियन का यानी कि लगभग 404 करोड़ रुपये का जो जुर्माना लगाया है। और देखिए इससे पहले भी गूगल पर कई लोगों ने जुर्माना लगाया है। देखिए इससे पहले पिछले साल की बात है, ठीक है, पिछले साल यूरोपियन यूनियन ने गूगल पर प्रतिस्पर्धा नियम तोड़ने का दोषी पाते हुए $5 अरब यानी कि लगभग 34,000 करोड़ रुपये का जो जुर्माना लगाया था। और देखिए उस समय हुआ क्या था, देखिए उस समय गूगल पर आरोप था कि उसने सैमसंग, हवाई समेत कई स्मार्टफोन और टैबलेट बनाने वाली कंपनियों को गूगल सर्च इंजन और गूगल क्रोम ब्राउजर प्री इंस्टॉल करने के लिए मजबूर किया था। और इसके लिए गूगल ने जो है कंपनियों पर दबाव बनाया था कि अगर ये ऐप जो है ये प्री इंस्टॉल नहीं करेंगे तो गूगल प्ले स्टोर का इस्तेमाल जो है ये नहीं कर पाएंगे। आप देखते होंगे आपके स्मार्टफोन में जो है पहले से गूगल के जो है सारे फीचर्स अपलोड होते हैं, ठीक है, यानी कि गूगल का सर्च इंजन पहले से अपलोड होता है। सैमसंग अगर मोबाइल है, कोई मोबाइल है, तो पिछले साल जो है ये प्रेशर डाला था गूगल ने इन सभी पे, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आपका जो है जो ये फीचर्स आप इस्तेमाल करते हैं गूगल प्ले स्टोर का, ठीक है, तो इसको इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो उसी डर से जो है सारी कंपनियों जो है पहले से प्री इंस्टॉल कर दिया था गूगल के सर्च इंजन को, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें आप याद रखिएगा। और देखिए थोड़ा सा हम फ्रांस के बारे में बात कर लेते हैं जिसने गूगल पे ये जुर्माना लगाया है। देखिए फ्रांस जो है आपका यूरोपियन कंट्री है, फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, फ्रांस की करेंसी है यूरो और CFP franc, ठीक है, और फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं वर्तमान में इमैनुअल मैक्रॉन। और देखिए आठवां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस कंपनी ने हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र के IDBI बैंक में 51% हिस्सेदारी का अधिग्रहण कर लिया है।
तो देखिए ये कंपनी आपकी है LIC, और देखिए LIC के बारे में आपको जो है पता ही होगा। देखिए जो आपकी LIC है, ठीक है, इस अधिग्रहण के साथ जो है अब IDBI बैंक में बहुलांश शेयर धारक हो जाएगा, यानी कि इसका जो है 51% शेयर हो जाएगा। और देखिए जो आपका केंद्रीय मंत्रिमंडल है, इसने पिछले साल जो है अगस्त महीने में जो आपका LIC है इसको जो है IDBI बैंक में हिस्सेदारी खरीदने की जो है मंजूरी प्रदान की थी। और इसी के साथ जो आपका LIC इसने IDBI बैंक में ये हिस्सेदारी खरीदने के बाद जो है बैंकिंग क्षेत्र में प्रवेश कर लिया है, तो ये खास बात याद रखिएगा। लेकिन सबसे पहले याद रखना है कि जो आपका LIC इसने IDBI बैंक में 51% हिस्सेदारी जो है अभी हाल ही में खरीद ली है और इसका अधिग्रहण भी कर लिया है। और देखिए थोड़ा सा हम LIC के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए LIC का पूरा नाम है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, और इसका मुख्यालय है मुंबई में, और इसकी स्थापना जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 1 सितंबर 1956 को की गई थी। और सबसे खास बात है कि जो आपका लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है इसकी जो है 100% हिस्सेदारी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। और देखिए नवा प्रश्न है कि हाल ही में किस लुप्त प्राय प्रजाति की डॉल्फिन को मुंबई के बांद्रा वर्ली समुद्र लिंक के समीप देखा गया है, तो देखिए ये प्रजाति आपकी है हम्पबैक डॉल्फिन की। देखिए जो आपका हम्पबैक डॉल्फिन है ये सामान्य तौर पर उथले और तटीय जल में निवास करती है, और ये अधिकांशतः जो है भूरे रंग की होती है और ये कुछ इस प्रकार से दिखती है। और देखिए जो आपकी ये हम्पबैक डॉल्फिन है ये पश्चिमी और पूर्वी अफ्रीका, भारत, दक्षिण पूर्व एशिया और ऑस्ट्रेलिया के आसपास के महासागरों में पाई जाती है। तो ये अभी कहाँ पे देखी है, मुंबई के बांद्रा वर्ली समुद्री लिंक के समीप, तो आप जो है हम्पबैक डॉल्फिन का नाम याद रखिएगा, ठीक है। और देखिए दसवां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के 1% लोग जो है इनके पास भारत की 50% आबादी के बराबर संपत्ति है, तो देखिए ये संस्था आपकी है ऑक्सफैम। तो याद रखना है कि जो ऑक्सफैम है इसने कहा है अपनी रिपोर्ट में कि भारत के जो 1% लोग हैं, ठीक है, तो इनके पास भारत की 50% आबादी के बराबर की संपत्ति है। और देखिए इस रिपोर्ट में कुछ और भी खास बातें कही गई जो कि एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। देखिए इस रिपोर्ट में कहा गया कि भारतीय अरबपतियों यानी कि जो इंडियन बिलियनियर्स हैं इनकी संपत्ति में 2018 में प्रतिदिन 2,200 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है, और इस दौरान भारत के जो है शीर्ष 1% अमीरों की जो संपत्ति है इसमें 39% की वृद्धि हुई है, और जबकि जो है 50% जो गरीब हैं, ठीक है, तो 50% जो गरीब आबादी है भारत की इसकी संपत्ति में महज केवल 3% की जो है बढ़ोतरी हुई है 2018 में, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया है। और इस रिपोर्ट में सबसे खास बात यह कही गई है कि भारत में रहने वाले 13.6 करोड़ लोग यानी कि 10% आबादी जो है ये साल 2004 से ही कर्जदार बनी हुई है, तो ये खास बातें आप याद रखिएगा इस रिपोर्ट के बारे में। और अब थोड़ा सा हम जान लेते हैं ऑक्सफैम के बारे में जिसने ये रिपोर्ट जारी किया है। देखिए जो आपका ऑक्सफैम है, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर है ऑक्सफोर्ड यूनाइटेड किंगडम है, और इसकी स्थापना जो है जो आपके सेसिल जैक्सन कोल है इन्होंने की थी 1942 में। और 11वां प्रश्न है कि एडलमैन की ट्रस्ट बैरोमीटर 2019 रिपोर्ट के अनुसार सरकार, कारोबार, एनजीओ और मीडिया के लिहाज से निम्न में से कौन सा देश विश्व के सबसे भरोसेमंद देशों में शामिल है, तो देखिए ये देश आपका भारत ही है। तो याद रखना है कि जो भारत अपना है, ठीक है, ये एडलमैन की ट्रस्ट बैरोमीटर 2019 रिपोर्ट के अनुसार सरकार, कारोबार, एनजीओ यानी कि नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन और मीडिया के लिहाज से जो है विश्व के सबसे भरोसेमंद देशों में शामिल है। और देखिए थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं इस एल्डमैन की, इसने अपनी रिपोर्ट में ये चीज़ कही है। देखिए जो आपका एल्डमैन है, ठीक है, इसकी स्थापना 1952 में की गई थी और इसके संस्थापक है डेनियल एल्डमैन। और देखिए जो आपकी ये संस्था है एल्डमैन, इसका मुख्यालय जो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में दो जगहों पर है। देखिए अमेरिका में जो है इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क सिटी में भी है और शिकागो में भी है, तो ये खास बातें आप याद रखिएगा एल्डमैन के बारे में भी, लेकिन इस रिपोर्ट के बारे में फोकस कीजिएगा सबसे पहले। और देखिए 12वां प्रश्न है कि हाल ही में किसने हथकरघा बुनकर के लिए ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जिसका नाम है rewave.in को लॉन्च किया, तो देखिए इसको लॉन्च किया गया है माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के द्वारा। तो फिर से बता दूँ, इसको दिमाग में एक लाइन फिट कर लिए। देखिए हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने जो है भारत के जितने भी हथकरघा बुनकर हैं उनके लिए एक जो है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जिसका नाम है rewave.in को जो है लॉन्च किया है। और देखिए इससे फ़ायदा क्या होगा, देखिए ये जो आपका ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है rewave.in, ठीक है, इससे सीधे जो है कारीगरों को खरीदारों से जोड़ने में मदद मिलेगी, जिससे जो है जो आपके कारीगर हैं उनको नए ग्राहकों और बाजारों में जो है विस्तार मिल सकेगा, तो ये खास बात याद रखिएगा। और देखिए थोड़ा सा माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के बारे में बात कर लेते हैं और माइक्रोसॉफ्ट का जो हेडक्वार्टर है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए जो आपका माइक्रोसॉफ्ट इंडिया उसके बारे में सबसे बात करते हैं। देखिए माइक्रोसॉफ्ट इंडिया जो है आपकी सॉफ्टवेयर कंपनी है, इसका मुख्यालय जो है हैदराबाद में है, और माइक्रोसॉफ्ट इंडिया का जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है ये आपका है माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन, ठीक है, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है, वाशिंगटन संयुक्त राज्य अमेरिका में, ठीक है। और देखिए जो आपका माइक्रोसॉफ्ट इंडिया इसके चेयरमैन हैं भास्कर प्रमाणिक, और जो आपका माइक्रोसॉफ्ट USA वाला है जिसका जो आपका माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर है, ठीक है,
तो उसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं सत्या नडेला। 13वां प्रश्न है कि इंडिया स्टील 2019 प्रदर्शनी और सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। तो देखिए जो आपका इंडिया स्टील 2019 प्रदर्शनी और सम्मेलन है ये मुंबई में आयोजित किया जा रहा है। ये 22 जनवरी को स्टार्ट हुआ है और ये 24 जनवरी 2019 तक चलेगा। तो फिर से बता दूं कि इंडिया स्टील 2019 प्रदर्शनी और सम्मेलन का आयोजन मुंबई में किया जा रहा है। ये 22 जनवरी को स्टार्ट हुआ है, 24 जनवरी 2019 तक चलेगा। और देखिए कोई सम्मेलन आयोजित किया जाता है तो उसका कुछ उद्देश्य भी होता है। तो देखिए गौरतलब है कि राष्ट्रीय इस्पात नीति के तहत वर्ष 2017 में 2030-31 तक 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया था और इसको जो है साकार करने के क्रम में मुंबई में इंडिया स्टील 2019 प्रदर्शनी और सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा। और देखिए इस आयोजन में 15 देशों की जो है 250 से अधिक प्रदर्शनी करने वाली कंपनियां, 200 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय मेजबान खरीदार और बड़ी संख्या में प्रतिनिधि व्यापार बैठकों का जो है आयोजन किया जाएगा। तो ये सभी खास बातें आप याद रखिएगा। और देखिए अब हम बात कर लेते हैं आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। देखिए आज के क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न है कि एग्री विजन 2019 सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया। तो इसका उत्तर बताइए कमेंट बॉक्स में जल्दी से। और अगला प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में लिंगायत समुदाय से संबंध रखने वाले शिव कुमार स्वामी जी का निधन हो गया, वह किस मठ के जो है प्रमुख थे। तो इसका उत्तर बताइए कमेंट बॉक्स में। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य में 426.60 मीटर लंबे दीप ब्रिज का उद्घाटन किया। इसका उत्तर बताइए। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने किसे 2020 के लिए वास्तुकला की विश्व राजधानी के रूप में नामित किया है। इसका उत्तर बताइए। और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन स्वीडन के प्रधानमंत्री के रूप में दूसरी बार निर्वाचित हुए हैं। इसका उत्तर बताइए। तो ये थे आपके आज के सभी करंट अफेयर और आज के सभी क्वेश्चन अपडेट। और देखिए कल का करंट अफेयर देखिए आप उसको रिवाइज कर लीजिएगा, आज के जितने भी क्वेश्चन अपडेट है उनका उत्तर आपको मिल जाएगा। तो इसी के साथ आज का करंट अफेयर यही समाप्त है। वीडियो को लाइक और इसको शेयर करना मत भूलिएगा। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और देखिए अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे और ट्विटर पे फॉलो करना चाहते हो तो इनकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और साथ ही हमारे टेलीग्राम स्टडी ग्रुप और व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप और फेसबुक पेज की भी लिंक मिल जाएगी। तो इन सभी पे क्लिक करके इन सभी को जो है ज्वाइन कर लीजिए। तो इसी के साथ बहुत धन्यवाद, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।